आपने भारत के इतिहास में कई महान शख्सियतों का नाम सुना होगा। मैं आज आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो अनसंग वॉरियर, हिंदुस्तान की एक ऐसी महारानी, महारानी बाई अहिल्याबाई होलकर। 1725 में अहमदनगर के पास छाणी गांव में उनका जन्म हुआ। अगले 10 साल के बाद एक बार राजा बड़ौदा के राजा मल्हार राव जी होलकर साहब उधर से गुजरे और जब अहिल्याबाई का सेवा भाव देखा ना, तो उन्होंने उस बच्ची का अपने लड़के के लिए, अपने कुंवर के लिए हाथ मांग लिया। आप सोचिए, 10 साल की बच्ची वो बड़ौदा की रानी बन गई। और उसके बाद खांडेराव जो उनके पति थे, 1757 में जब 29 साल की थी तब कुमेर युद्ध में उनका देहांत हो जाता है। और उसके 12 साल बाद जिनका उनके ऊपर सबसे बड़ा नाज था मल्हार राव जी, उनका भी देहांत होता है। और एक साल बाद उनको ताज पहनाया जाता है और वो 1767 से 1795 तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महारानियों में से एक महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर बनी। उनके जीवन से तीन सीखें अपने को मिलती है। पहली, वो इतनी न्यायप्रिय थी कि एक बार उनके लड़के मालेराव, वो क्या कर रहा था, जैसे ही उन्होंने गाड़ी, वो अपना रथ चला रहा था, वो रथ चलाते चलाते उनके सामने एक बछड़ा आ गया और वो बछड़े के ऊपर से चला दिया और वो बछड़ा मर गया। और थोड़ी देर के बाद अहिल्याबाई उधर से निकली तो अहिल्याबाई ने जब देखा तो अहिल्याबाई से रहा नहीं गया, बोला ये बछड़ा किसने मारा है। तब पता लगा कि उनके खुद के लड़के ने मारा है। पर वो इतनी न्यायप्रिय थी, वो जाके मालेराव जी की पत्नी को पूछा कि देखो ये जो बच्चा है, किसी के माँ के सामने अगर बच्चे को मारा जाए तो क्या हुए, तो बोला उसको मृत्युदंड देना चाहिए। तो उसने अपने स्वयं के बच्चे को मृत्युदंड दिया। और तब कोई भी उनको बोला कि बाजार में उनको रख दो, इनके ऊपर से रथ दौड़ाया जाए। कोई सारथी के लिए तैयार नहीं हुआ, तो खुद माँ तैयार हुई कि मैं इसके ऊपर से रथ दौड़ाऊंगी। जब वो रथ दौड़ाने लगी तो वो जो गाय थी ना, वो बार बार आड़े आ रही थी। तब मंत्रियों ने बोला कि ये गाय भी नहीं चाहती कि आपका बच्चा मारा जाए, तो वो माफ किया गया। और वो गाय जब बार बार आड़े आ रही थी ना, तो आज भी वो इंदौर में आड़ा बाजार कहा जाता है, आज भी उसको। दूसरा सीख आप अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ, कि एक बार है ना, अपने सोचिए कि एक बार जब ये राजी रानी बन गई ना, जब रानी बन गई तो पेशवाओं को, जो आसपास के पेशवाओं को लगा कि यार ये तो कमजोर है, हम इनके ऊपर आक्रमण कर दे। पेशवा आए 5000 की सेना लेकर। जब 5000 की सेना लेकर आए ना, आप ताज्जुब करेंगे, आप सोचते रह जाएंगे कि इन्होंने एक पत्र लिखा कि हमारे पास एक नारी सेना है, पेशवा साहब अगर आप हमसे हार गए तो आपकी क्या इज्जत रहेगी, और जीत भी गए तो लोग बोलेंगे कि एक शोक संतप्त महिला के वहां अटैक किया और आप जीत गए। वो बात उनको तीर की तरह चुभ गई। और पेशवा ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम तो आपसे लड़ने नहीं आया, वो आप शोक संतप्त थे इसलिए आपसे मिलने आए थे। आप सोचो, एक दूसरा सीख कि सूझबूझ से इतना बड़ा युद्ध टाल दिया। वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, उनका क्या था कि उन्होंने जीवन भर जो हिंदुस्तान में आप जितने भी सोमनाथ देखते हो, जितना भी अपना काशी विश्वनाथ को 1776 में जो वहां पे जो शिवलिंग लगाया हुआ है ना, वो महारानी देवी अहिल्याबाई का है। उन्होंने कम से कम 100 मंदिर उन्होंने प्रतिष्ठित किए, यानी कहां से सोमनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक, दक्षिण से लेकर जगन्नाथपुरी तक, जितने भी थे ना, ये जितने भी 100 मंदिर आपको दिखते हैं ना, उनका या तो पुनरुद्धार या उनको बनाना ये महारानी देवी अहिल्याबाई। और उनको अपना कोई भी राज्याज्ञा लिखती थी ना, उनमें अपना नाम नहीं आता था, नीचे भगवान शंकर का श्री शंकर लिख के आता था। और उन्होंने लास्ट में भी है ना, उनके एक परिवार ने 1947 तक कोई भी राज्याज्ञा निकाली ना, तो उसके नीचे श्री शंकर लिखा, खुद का नाम नहीं लिखा, इतने बड़े भक्त। और जितने भी थे ना, ये जितने भी आप देखते ना कुएं बावड़िया आज उधर के देखते हैं ना, ये सब महारानी देवी अहिल्याबाई ने बनाई थी। और ये महारानी अहिल्याबाई है ना, इसीलिए देवी की तरफ पूजी जाती है। तो बोलो महारानी देवी अहिल्याबाई की। अंकुर नमक असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।